हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवन लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की जो नदियां हैं उनके जो सिंधु नदी तंत्र हैं और गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपी नदी तंत्र, तीनों को विस्तार से इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एस्चुरी यानी ज्वार नद मुख क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। तो जो ज्वार नद मुख होता है वो सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र है जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र में खारे पानी के साथ मिलता है, उसे एस्चुरी या ज्वार नद मुख कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट कुछ नदियाँ हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी, ये सभी ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। फिगर में दिखाया गया ये एस्चुरी यानी ज्वार नद मुख, जो कि नदियाँ जब नदियों का जो ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है तो इस प्रक्रिया को ज्वार नद मुख या एस्चुरी कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया डेल्टा। डेल्टा नदी जहाँ महासागर से मिलती हैं उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है, उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। ये डेल्टा का डिफिनेशन बताया गया है, ये डेल्टा दिखाया गया यहाँ पे। नदी जो महासागर मिलती हैं उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की जो धारा है वो कई धाराओं में बढ़ जाती है। यहाँ पर दिखाया गया जो नदी की धारा है कई धाराओं में बढ़ गई, जिससे एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी त्रिभुजाकार क्षेत्र को ही इस तरह से एक त्रिभुजाकार क्षेत्र बताया गया। इस तरह से जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है इसी त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। जो डेल्टा प्रायः जो होते हैं उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे है ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र क्या होता है? तो जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र सब एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा यानी मुख्य नदी का निर्माण करती है, उसे ही ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र कहा जाता है। फिगर में ड्रेनेज सिस्टम को दिखाया गया है जिसमें अलग अलग दिशा से छोटी छोटी धाराएँ आकर मिलती हैं और एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं, या ये कहें कि एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। इस तरह से जो एक क्षेत्र बनता है उसे ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं वो मुख्य नदी की सहायक नदी कहलाती हैं। जो छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा में मिलती हैं, इन छोटी छोटी धाराओं को एक मुख्य नदियाँ की सहायक नदियाँ कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग जो भारत में अपवाह तंत्र हैं उसको तीन भागों में पढ़ेंगे। एक है सिंधु नदी तंत्र, और उसके बाद गंगा नदी तंत्र, और उसके बाद प्रायद्वीपी नदी तंत्र। तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो सिंधु नदी तंत्र है जो कि मुख्य नदी है और इसमें छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं, इसके बारे में सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। सिंधु नदी तीन देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। यहाँ पे सिंधु नदी को दिखाया गया है, चीन, भारत होके पाकिस्तान होकर बहती है, फिर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट में इसका उद्गम होता है। चीन में जो मानसरोवर झील है उसके निकट जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल है, और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। एग्जाम में पूछ देता है कि जो सिंधु नदी है भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो भारत के लद्दाख के दमचोक के पास प्रवेश करती है। आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ पे गिलगिस्तान होगा, पाकिस्तान प्रवेश करती है और कराची से पूर्व होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ से होते हुए अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। जो सिंधु नदी है वो भारत के
लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। भारत का जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो भारत का लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है या बाएं। तो जो भारत का जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख नदियाँ आकर मिलती हैं। तो 5 प्रमुख नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी। सिंधु नदी जब अरब सागर मिलती है उससे पहले ये पांचों नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ ये सभी आपस में मिलकर एक पंचनद नदी का निर्माण करती हैं और फिर अरब सागर में मिलकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है ये चेनाब नदी है। चेनाब नदी जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। ये इसका जो चेनाब नदी का जो उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दत्ते से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण दो नदी चंद्रा और भागा नदी से होता है। हिमाचल प्रदेश में जो चेनाब नदी है उसका निर्माण दो नदियों से होता है, एक चंद्रा और दूसरी भागे नदी के नाम से जानी जाती है, इसीलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। जो चेनाब नदी है ये पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज और ब्यास नदियाँ आकर मिलती है। जो झेलम नदी है, झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट होता है, कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट। और ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ये झेलम नदी है जिसका उद्गम स्थल कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट होता है और 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान का सीमा बनाते हुए ये पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में जाकर मिलती है। रावी नदी की बात करें तो ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है और रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट पेनाम में जाकर मिल जाती है। जो सतलज नदी है, सतलज नदी ये तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चेनाब में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी आकर मिलती है। यहाँ पर ब्यास नदी है। चेनाब नदी में जो सतलज नदी है, चेनाब नदी में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी आकर मिलती है। ब्यास नदी की बात करें तो ये ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकली ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटू में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। इंदिरा गांधी नगर जो कि हरिके क्षेत्र में, जो हमने ब्यास और सतलज नदी संगम की बात की है, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जहाँ पर सतलज, ब्यास और सतलज का मिलन होता है। यहीं से देश की सब लंबी जो नहर है इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर बहती हुई राजस्थान से गुजरती है। और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो सबसे अधिक 770 किलोमीटर है। जो पाकिस्तान का बहावलपुर है उसमें जब सतलज नदी चेनाब नदी में मिलती है तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक पांचों नदियाँ एक साथ बहती हैं। ये वाला जो भाग है, पांचों नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये आपस में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती हैं और सिंधु नदी में मिलने से पहले लगभग 45 किलोमीटर तक पांचों नदियाँ यहाँ एक होकर बहती हैं। सिंधु जल समझौते की बात करें तो पानी के वितरण के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई और इस संधि का नाम था सिंधु जल समझौता। इस समझौते के अनुसार तीन पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलुज
का नियंत्रण भारत को तथा तीन पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। आगे बात करें अब गंगा नदी तंत्र की। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिंधु नदी तंत्र, अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। जो गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी जो कि देवप्रयाग से निकलती है, अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। अलकनंदा की जो दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। अलकनंदा की जो दो सहायक नदियां हैं, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। जो पिंडार है, ये वाली पिंडार नदी, ये अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। और जो दूसरी मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी, ये अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। इस तरह से अलकनंदा जो नदी है उसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, एक है पिंडार नदी और दूसरी मंदाकिनी नदी। जो प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा की नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर जो है मंदाकिनी नदी के तट पर, और अलकनंदा नदी सॉरी बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है आगे गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ें। तो उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है जिसका नाम हुगली और मुख्य धारा भागीरथी कहलाती है। जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का में यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाती है। जो मुख्य धारा है वो भागीरथी नाम से जानी जाती है और एक और धारा है जो हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। जो भागीरथी नदी है बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के रूप में जाना जाता है। आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जाकर वहाँ पर यहाँ पर मिल जाती है और संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है। उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी आपस मिलती है उसके बाद इसे मेघना नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है या गिर जाती है। गंगा नदी की जो ढेर सारी सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा यानी जिसे सरयू भी कहा जाता है, गंडक और रामगंगा। तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुस चोटी में स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है, ये उत्तराखंड के बंदरपुस चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है उसे कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये सभी जो है यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। जो चंबल नदी है ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग से बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिलती है। इस नदी की जो लंबाई है 965 किलोमीटर है। जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र में जानापाव पर्वत से होकर निकलती है। ये उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी से आकर मिलती है। इसकी जो टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर है। बेतवा नदी की बात करें, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से जाकर मिलती है। ये ध्यान रखिए जो प्रसिद्ध स्थान सांची है, बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पे सांची है, सांची का स्पूत जो कि बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्पूत अशोक ने 3rd शताब्दी में बनवाया था। नेक्स्ट है कोसी नदी। जो कोसी नदी है ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ पे कोसी नदी को दिखाया गया है। ये कोसी नदी जो कि नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है।
ये नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अत्यधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। इसीलिए जो कोसी नदी है उसे बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। बिहार में कटिहार में गंगा नदी से आकर मिलती है। नेक्स्ट दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में आकर मिल जाती है। इसी नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गोमती नदी। जो गोमती नदी है इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है। जो गोमती नदी है इसका जो उद्गम है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। जो गोमती नदी है ये एकमात्र नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। नेक्स्ट आगे बात करें सोन नदी की। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में आकर मिल जाती है। जो सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। जो सोन नदी है और यमुना नदी, इन दोनों के बीच जो जल विभाजन का काम है वो कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। इसके अलावा जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियों में जो घाघरा है जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। ये घाघरा नदी और गंडक नदी जो कि गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। आगे बात करें गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर तथा कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है? तो जो गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा और कोसी नदी है ये गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। जो यमुना नदी, सोन और टोंस नदी है ये तीनों नदियाँ गंगा नदी के दाएं तट पर आकर मिलती हैं। अगर गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर शहर है। गंगा नदी के प्रवाह का क्रम बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जो ब्रह्मपुत्र नदी है तथा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है उसके बारे में देखेंगे। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करते हुए असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के साथ मिल जाती है, यानी गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना कहलाता है और विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं तीस्ता नदी, मानस नदी, कपिली, बराक, कमिंग, सुवनसुरी, दिव्यांग और लोहित नदी, ये सभी जो नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। जो तीस्ता और सुवनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग दाएं तट से और लोहित, बराक, दिबांग बाएं तट से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। जो लोहित, दिबांग और बराक नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट पर जाकर मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो सिक्किम में होता है और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। जो तीस्ता नदी है ये इसका जो उद्गम है सिक्किम से होता है और पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा वहाँ बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। जो लोहित नदी है, लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। बराक नदी जो कि मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है।
ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली स्थित है, जो कि असम में स्थित है। आगे बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, यानी प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियां हैं तथा उन नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वो बहुत ही अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की नदियां प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। वृक्षनुमा अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियों में अपवाह तंत्र में जो नदियां आती हैं, नर्मदा, ताप्ती, माई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आती है। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं वो हैं नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। ये तीनों नदियां अरब सागर में जाके गिरती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये चारों नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। नर्मदा नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। जो नर्मदा नदी है इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंपात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश खाड़ी या रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं वो ओरसंग, तवा तथा शेर है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अमरकंटक से दो नदी निकलती हैं, एक है नर्मदा नदी तथा दूसरी है सोन नदी। दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है और ये नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से होते होता है। इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए ये खंपात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जो माही है, माही नदी, वो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्रिमेंकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जो पेन गंगा, इंद्रावती और प्रणहिता जो नदियाँ हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। पेन गंगा, प्रेण गंगा, प्रणहिता और इंद्रावती नदियाँ गोदावरी की नदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपी भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कृष्णा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं भीमा, कोयना और तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी जल विवाद की बात करें तो कृष्णा नदी जल विवाद कृष्णा नदी के जल बंटवारे संबंधित है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। आगे बात करेंगे महानदी। जो महानदी है ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो तेल नदी और जोंक नदी है ये महानदी की दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी की बात करेंगे, कावेरी नदी जो कि कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जो कावेरी नदी है इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कुछ अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे स्वर्णरेखा नदी जो झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी झारखंड के रांची के निकट छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।
जो प्रसिद्ध जमशेद शहर टाटा नगर है इसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम है अजमेर के निकट यानी राजस्थान में अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है, जो राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है। कुछ और प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे काली नदी। काली नदी को शारदा और कालीगंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी हिमाचल स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है, जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। काली नदी पूर्व की ओर और नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यहाँ पे भारत और पूर्व में भारत और नेपाल की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाती है? काली नदी। नेक्स्ट है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।